किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रुस्तम का जिगर जेर कफन कांप रहा है। शमशीर बकफ देख के हैदर के पिसर को, जिब्रील लरसते हैं समेटे हुए पर को। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जौजा जन्नती औरतों की सरदार सैयदा फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने भाई अकील से दरख्वास्त की कि वो ऐसी औरत तलाश करें जो आला नसब से ताल्लुक़ रखती हो, ताकि उनसे एक बहादुर और दिलेर औलाद पैदा हो जो करबला में इमाम हुसैन का मददगार बने। लिहाजा हज़रत अकील ने बनू कल्बिया की एक खातून फ़ातिमा बिनते हज़्ज़ाम का नाम पेश किया, जिन्हें उम्मुल बनीन कहा जाता था। उनका ख़ानदान शराफत, पाकी, सखावत, मेहमान नवाजी और बहादुरी में अरब में सबसे मशहूर कबीला था। लिहाजा इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उम्मुल बनीन से निकाह कर लिया और कुछ अरसों बाद सन 26 हिजरी में एक बेटे की पैदाइश हुई। बच्चे की पैदाइश के बाद हज़रत अली ने उसे अपने गोद में लिया और इसका नाम अब्बास रखा। अब्बास शेर को कहते हैं जिसको देखकर दूसरे शेर भाग जाएं। आपने उनके कानों में अजान दी और बाजुओं का बोसा लेकर रोने लगे। इस पर उम्मुल बनीन ने रोने की वजह पूछी तो फरमाया, तुम्हारे बेटे के दोनों बाजू हुसैन की मदद करते हुए तन से जुदा होंगे और अल्लाह उनके कटे हुए बाजुओं के बदले उसे आखिरत में दो पर अता फरमाएगा। हज़रत अब्बास इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ पले बढ़े, लेकिन आपने कभी भी अपने आप को अपने भाइयों के बराबर नहीं समझा और हमेशा उन्हें अपना इमाम समझते थे। वो इमाम हसन और हुसैन को इब्न रसूलुल्लाह या सैयदी कहकर पुकारते थे। हज़रत अब्बास इब्न अली ने नहायत ही हसीन और खूबसूरत चेहरा पाया था। आप एक दराज कद शख्स थे। रिवायतों में आता है कि जब आप घोड़े पर सवार होते तो उनके पांव ज़मीन से लग जाते थे। हज़रत अब्बास की बुलंद कामत और खूबसूरत चेहरे की वजह से उन्हें कमर बनी हाशिम कहा जाता था। एक रिवायत के मुताबिक जब अमीर मुआविया के ख़िलाफ़ अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली ने जंग सिफ़ीन लड़ी तो इस जंग में हज़रत अब्बास ने इमाम अली अलैहिस्सलाम का लिबास पहना था और बिल्कुल अपने वालिद अली की तरह ज़बरदस्त जंग लड़ी, यहाँ तक कि लोगों ने उनको अली ही समझा। जब हज़रत अली खुद मैदान जंग में उतरे तो लोग हैरत ज़दा रह गए। उस मौके पर हज़रत अली ने अपने बेटे अब्बास का तारुफ करवाते हुए कहा कि ये अब्बास हैं और ये बनु हाशिम के चांद हैं। इसी वजह से हज़रत अब्बास को कमर बनी हाशिम कहा जाता था। हज़रत अब्बास इब्ने अली की ज़िंदगी का सबसे अहम वाक़या मार्का करबला में शिरकत है, जिसमें आपने अपने भाई और इमाम हुसैन इब्ने अली का साथ देकर वफ़ा और कुर्बानी की एक मिसाल पेश की। मैदान करबला में हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की वफ़ादारी एक नमूना है। तारीख ने कभी ऐसी वफ़ा और जानिसारी नहीं देखी। हज़रत अब्बास मदीना में हमेशा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शाना बशाना रहे। जवानी इमाम हुसैन की खिदमत में गुजार दी। बनी हाशिम में आपका एक ख़ास रौब और दबदबा था। बनी हाशिम के 30 जवान हमेशा इमाम हुसैन के दिफा के लिए तैयार रहा करते थे और हज़रत अब्बास उन जवानों के अमीर थे। जब यजीद बिन मुआविया सन 61 हिजरी को तख्त नशी होता है तो फौरन हुक्म देता है कि हुसैन इब्ने अली को हिरासत में लेकर दमिश्क बुलाया जाए और उन्हें बैत पर मजबूर किया जाए। लिहाजा लश्कर शाम जब मक्का पहुंचती है तो इमाम हुसैन उस वक्त करबला रवानगी की तैयारी कर रहे थे। इस मौके पर हज़रत अब्बास इब्ने अली ने अपने भाई की हिमायत और बनू उमैया की सरकशी के खिलाफ मक्का में एक ज़बरदस्त खुतबा दिया। आपने फरमाया, हमद है अल्लाह खुद उड़कर मेरे मौला के पास आ जाता, लेकिन मेरे करीम मौला ने खुद इसके पास आकर इसको अजमत बख्शी। बेशक लोग हजरे अस्वद को चूमते हैं और हजरे अस्वद मेरे मौला के हाथों को चूमता है। अल्लाह की मशीयत मेरे मौला की मशीयत है और मेरे मौला की मशीयत अल्लाह की मशीयत है। खुदा की कसम, अगर ऐसा ना होता तो मैं तुम पर इस तरह हमला करता जैसे अकाब गजबनाक होकर उड़ता हुआ चिड़ियों पर हमला करता है और तुमको चीर फाड़ कर रख देता। वाकया करबला के वक्त हज़रत अब्बास की उम्र 33 या 35 साल थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपको लश्करे हुसैन का अलमदार करार दिया था।
इमाम मजलूम अपने भाई अब्बास और 72 साथियों समेत एक मुहर्रमुल हराम को मैदान करबला पहुंचे, जहां 30,000 से जायद यजीदी लश्कर के सिपाहियों ने इस काफिले को रोक दिया और फरात का पानी बंद कर दिया। यजीदी लश्कर के साथ जंग का आगाज होता है और एक एक कर काफिला हुसैनी के बहादुर शहीद कर दिए जाते हैं, लेकिन इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास को लड़ने की इजाज़त नहीं दी। करबला में हजरत अब्बास ने अपनी शहादत से एक तारीख रकम की थी। आप हुसैनी फौज के एक काबिल तरीन और माहिर सिपासालार थे। रिवायतों में आता है कि जब तक जनाब अब्बास हुसैनी लश्कर में मौजूद रहे, यजीदी लश्कर में मौजूद कोई सिपाही भी चैन की नींद न सो सका। जब आशूरा की रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम साथियों से कहा कि रात के अंधेरे का सहारा लेकर जिसका जी चाहे यहाँ से जा सकता है, क्योंकि कल की सुबह शहादत यकीनी है। उस वक्त सबसे पहले जनाबे अब्बास ने अपनी वफादारी का ऐलान किया और कहा, ए इमाम, हम किस लिए आपका साथ छोड़ें? हम आपको हरगिज़ दुश्मनों के मुकाबले में अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम आखिरी सांस तक आपकी हिमायत में रहेंगे। 10 मुहर्रम रोज़े आशूरा को जब हुसैनी खेमे में पानी ख़त्म हो गया और बच्चे प्यास से रोने लगे, इमाम अलैहिस्सलाम की बेटी सकीना प्यास की शिद्दत से बदहाल थी। जब जनाब अब्बास ने ये मंज़र देखा तो उनसे रहा न गया, लिहाजा उन्होंने इमाम हुसैन की इजाज़त मांगी और पानी लेने के लिए फर्रात की तरफ निकल पड़े। अम्र साद मलून ने 4,000 सिपाहियों का लश्कर फरात के किनारे खड़ा कर दिया था। हजरत अब्बास फरात की तरफ बढ़े तो अम्र बिन हज्जाज और उसके सिपाही रास्ता रोकने के लिए सामने आ गए। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से उनकी शदीद झड़प हुई, मगर बनी हाशिम के इस शेर के सामने कौन टिक सकता था। आपने दुश्मन पर ऐसे पेदरपे हमले किए कि उन्हें वहां से भागना पड़ा। हजरत अब्बास दरिया के करीब गए, पानी को हाथों के चुल्लू से उठाया। आप खुद भी शदीद प्यासे थे, मगर जब ये ख्याल आया कि उनकी प्यारी मासूम भतीजी वहाँ खेमे में पानी के इंतज़ार में होगी तो आपको गवारा न हुआ कि पानी पिएं, लिहाजा आपने पानी से हाथों को वापस खींच लिया और मशकीज़े में पानी भरकर खेमे की तरफ रवाना हुए। अचानक यजीदी लश्कर ने पीठ पीछे हमला कर दिया, तीरों और नीज़ों की बारिश हुई, जनाब अब्बास के दोनों बाजू जख्मी हो गए। बाजुओं के जख्मी होने के बाद आपने मश्क को अपने कंधों में ले लिया और यजीदी लश्कर से सामना किया। उस शेर की एक दहाड़ से सिपाही चारों तरफ बिखर जाते थे और मैदान में घमसान मचा हुआ था। आखिर यजीदी सिपाहियों ने तीर से उस मशकीजे को भी तोड़ दिया। सख्त लड़ाई शुरू हो गई। हजरत अब्बास की तलवार बिजली की तरह जिस पर पड़ती उसके टुकड़े कर देती। बेदरीग यजीदियों को आपने वासिले जहन्नम किया। अचानक पीछे से एक सिपाही ने आपके हाथ पर हमला किया और आपके बाजू कट गए। यजीदियों ने तीरों की बारिश शुरू कर दी, आप जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़े। इतने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तेज रफ्तारी से वहां तशरीफ लाए, अपने भाई को गोद में उठाया। हजरत अब्बास ने भाई को देखा और सरगोशी करते हुए कहा, मेरे भाई, मेरे भाई, और फिर आपकी रूह प्रवास कर गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रोते हुए फरमाया, आज अब्बास की शहादत से मेरी कमर टूट गई। फरात का बहाव सर्दियों की तरह तारीक हो गया, आसमान सुर्ख हो गया और हाशमियों का ये चांद अपनी जवानी की उरूज में 10 मुहर्रम 61 हिजरी को फरात के किनारे शहीद हो गया।